हेलो स्टूडेंट्स, इन द लास्ट लेक्चर हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.4 का कवर किया था, जिसमें हमने डिस्कस किया था विदाउट लॉन्ग डिविजन मेथड आपको ये चेक करना कि वेदर द नंबर इज टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर और नॉन टर्मिनेटिंग रैशनल नंबर, दैट इज रिपीटिंग रैशनल नंबर. नाउ इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर आई एम गोइंग टू कवर दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2 of exercise 1.4, that is write down the decimal expansion of rational numbers which have terminating decimal expansion. It was corresponding to question 1 ki wo question jinki terminating decimal expansion hai unki decimal form likhna, but again although NCERT mein specified nahi hai but it is understood without long division. बिना डिवीजन किए हुए आपको इसकी डेसिमल फॉर्म लिखनी है. अब बिना डिवीजन किए आप इसकी डेसिमल फॉर्म कैसे लिखते हैं उसको एक जस्ट एक बेसिक से एग्जांपल से चेक करिए. इफ आई गिव यू नंबर 8/10, सो यू डोंट नीड टू डिवाइड द नंबर, आपको पता है इट कैन बी रिटन एज 0.8. सिमिलरली इफ आई राइट डाउन 87/100 विदाउट एक्चुअल डिविजन, यू कैन डायरेक्टली राइट डाउन इट इज 0.87. So, same concept follows over here without actually dividing them, but you have to confirm whether it is a terminating one, जो कि हम first question में पहले ही कर चुके हैं और मैंने उनमें से कुछ examples ले लिए हैं जो कि terminating वाले हैं. अब मुझे बस ये express करके दिखाना है कि वो मैं उनको decimal form कैसे लिखूंगा without division. Let's say question, second question, actually वो question first का first part है, 13/1325. आपने इसकी पहले तो क्या किया था, अगर आपको पिछले लेक्चर के हिसाब से याद हो फर्स्ट क्वेश्चन में आपने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखी थी और इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन थी 5 raised to the power 5. नाउ एज आई सेड मुझे इसको टर्मिनेटिंग फॉर्मेट में डेसिमल फॉर्मेट में लिख के दिखाना है. तो उसके लिए ये टर्मिनेटिंग तो है ही है, क्यों है, क्योंकि डिनोमिनेटर 2 और 5 की टर्म में लिखा जा सकता है, 2 की पावर 0 लिख सकता हूं और 5 की टर्म तो है ही है. इसके अलावा डिनोमिनेटर में और कोई प्राइम नंबर नहीं है, दैट्स व्हाई टर्मिनेटिंग है. अब इसकी एक्सप्रेशन डेसिमल में कैसे बनती है उसके लिए एज ई टोल्ड विद एन एग्जाम्पल कि यहां पे नीचे 10, 100 या 1000 हो तो आप सीधा सीधा लिख सकते हैं. सो अब एक मिनट ऐसे सोच के देखिए 10 कैसे आता है 5 और 2 का जब पेयर बनता है, 100 भी कैसे आया क्योंकि 100 में 5 और 2 के दो पेयर बने, दैट इज 5 power 2, 2 power 2, इसकी रिप्रेजेंटेशन ये लिख सकते थे. इट मींस व्हाट, हमारा टारगेट सिर्फ ये है कि अगर मैं 100 बनाना चाहता हूं तो 5 और 2 के कंप्लीट पेयर बनाऊंगा. अगर मैं 5 और 2 के कंप्लीट पेयर बना पाया तो डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस टाइप के नंबर बन जाएंगे. सो द टारगेट इज कि डिनोमिनेटर में 5 और 2 के पेयर कंप्लीट करने. इस क्वेश्चन में डिनोमिनेटर में 5 ही है, 2 की टर्म तो है ही नहीं. सो एज आई सेड मुझे क्या करना है, 5 और 2 के पेयर कंप्लीट करने हैं. तो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब जरा इसको एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करिए. व्हाट आई हैव डन ओवर हियर, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ द नंबर्स हैव बीन मल्टीप्लाइड विद 2 raised to the power 5. नाउ 2 से मल्टीप्लाई किया बट 2 की पावर 5 ही क्यों लिखी, क्योंकि मैंने कहा था 5 और 2 के कंप्लीट पेयर बनाने हैं. 5 यहां पे कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स है. तो 5 का 2 के साथ पेयर बनाने के लिए अगर 5 एक बार होता तो 2 की पावर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता, 5 2 टाइम होता तो 2 की पावर 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करता. 5 कितनी टाइम्स है, 5 टाइम्स है. तो कंप्लीट पेयर बनाने के लिए 2 भी कितनी टाइम चाहिए था, 5 टाइम्स. दैट्स व्हाई 2 पावर 5 से न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया. सो अब जरा इसको चेक करो, डिनोमिनेटर इज नाउ दिस नंबर कैन बी रिटन एज 5 into 2 whole power 5, राइट. व्हाट अबाउट न्यूमरेटर, नाउ थिंक ऑफ न्यूमरेटर, इट इज 13 into 32, राइट. नाउ आपको क्या करना है, सिर्फ 32 को 13 से मल्टीप्लाई करके देखना है, इट वुड बी व्हाट, राइट. सो एज इट इज 416, सो न्यूमरेटर इज 416, डिनोमिनेटर में बना 10, 5 टाइम्स तो कितनी जीरो आई, 5 जीरो.
इसका मतलब अगर इसकी मुझे डेसिमल फॉर्म लिखनी है तो डेसिमल फॉर्म क्या बन के आएगी, इसकी डेसिमल फॉर्म आएगी 0.00416, राइट। चलिए एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। 17/8 प्राइम फैक्टराइजेशन 2 पावर 3, डिनोमिनेटर में 2 और 5 के अलावा कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा, तो ये टर्मिनेटिंग है। अब अगर ये टर्मिनेटिंग है तो इसको कैसे बिना डिविजन के करना है, सेम मेथड 2 और 5 के कंप्लीट पेयर बनाने हैं, क्योंकि 2 3 टाइम्स लिखा था तो डिनोमिनेटर में और न्यूमरेटर में 5 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, इससे क्या हुआ 17 × 125, ये कितना आया 2 × 5 का कंप्लीट पेयर। अब क्या करना है, सेम प्रोसेस, यू नीड टू मल्टीप्लाई 125 विद 17, राइट। देन वी हैव 125 इट इज 2 × 5 मल्टीप्लाई बाय 10, हाउ मेनी टाइम्स 3 टाइम्स, तो 10³ दैट इज 1000। आई होप अब आपको समझ में आ गया इसकी डेसिमल फॉर्म क्या बन के आएगी 2.125, डन। चलिए अगर आप समझ चुके हैं जरा इसके बारे में सोच के देखिए किससे मल्टीप्लाई करने की जरूरत है, सोचिए आपको क्या करने हैं 2 और 5 के कंप्लीट पेयर बनाने हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को ऐसे सोच के देखो कि 2 3 टाइम्स है, 5 2 टाइम्स है, राइट, तो लॉजिकली जितनी टाइम्स 2 होना चाहिए था उतनी टाइम 5 होना चाहिए था तभी कंप्लीट पेयर बनेंगे, तो 2 ज्यादा टाइम है, 1 टाइम एक्स्ट्रा है 5 से, तो आप क्या करिए कि 5 1 टाइम कम है ना, तो 5 पावर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो नाउ यू हैव 2³ × 5³, वेर एज इन द न्यूमरेटर इट इज 115, सो इट इज 115 डिवाइडेड बाय 10³, हाउ मेनी जीरोस 3, सो इट्स डेसिमल फॉर्मेट इज 0.115। आई होप यू आर गेटिंग दिस पॉइंट। लास्ट वन द सेम कंसेप्ट 2/5 है, आई होप नाउ यू पीपल कैन डू इट। 2 पावर 1 से मल्टीप्लाई डिवाइड 4 बाय 10 आंसर इज 0.4। सो दैट वाज क्वेश्चन नंबर सेकंड, लेट हैव अ लुक ऑफ क्वेश्चन नंबर थर्ड ऑफ एक्सरसाइज सेम 1.4। द फॉलोइंग रियल नंबर्स हैव डेसिमल एक्सपेंशन एज गिवन बिलो, इन ईच केस वेदर दे आर रैशनल और नॉट, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाय क्यू, what can you say about the prime factor of q? So this is actually what I am discussing, question number 3rd, first part 43.1234567 89. First the question is over here whether it is a rational number, starting mein maine kya bataya tha, rational numbers wo hote hain jo either terminating or non terminating but recurring ya repeating hote hain, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेटिंग किसे कहते हैं, डेसिमल के बाद एक स्टेट आगे खत्म हो जाते हैं, यस, अब ये रिपीट तो नहीं करे तो ये टर्मिनेटिंग वाले हैं, टर्मिनेटिंग है तो ये रैशनल नंबर हुए। इसके बाद इसमें क्या पूछा गया है, इफ दे आर रैशनल एंड ऑफ द फॉर्म पी बाई क्यू, इट इज टर्मिनेटिंग है क्योंकि रैशनल है तो क्वाइट ऑब्वियस है ये पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखे जा सकते हैं। फिर उनका नेक्स्ट पार्ट ये था, अगर ये टर्मिनेटिंग है तो आप क्यू के बारे में क्या आप कहेंगे, कि पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखेंगे तो क्यू क्या होगा। अब सोचिए हमने थ्योरम पढ़ी थी लास्ट वीडियो में, मैंने डिस्कस की थी, अगर नंबर टर्मिनेटिंग वाला होता है तो डिनोमिनेटर में जो क्यू है वो किसकी फॉर्मेट में लिखा जाएगा, क्यू कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ 2 पावर n × 5 पावर n, इट मीन्स 2, जब भी अगर इसको पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिखेंगे जिसमें पी और क्यू क्या होंगे, को प्राइम नंबर्स, तो डिनोमिनेटर हमेशा 2 और 5 की पावर की टर्म में एक्सप्रेस किया जा सकेगा। दैट वॉज अबाउट सच टाइप ऑफ नंबर्स। नाउ आई एम गोइंग टू टेक थर्ड पार्ट, अब अगेन सोच के देखिए, इट इज 43.1234567 89 सेम नंबर बट
विद अ बार ओवर इट ऑन इट. नाउ इसके ऊपर बार है तो इसका मतलब क्या है? अगर नंबर के ऊपर बार है तो इसका मतलब वो रिपीटिंग है, राइट? और डॉट डॉट या बार मीनिंग है कि नॉन एंडिंग भी है. नॉन एंडिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग, तो हुआ तो रैशनल नंबर. यस, ये भी रैशनल नंबर है, यानी कि इसको पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकता हूं. अगर मैं इसको पी बाई क्यू की फॉर्मेट में लिख सकता हूं तो क्या डिनोमिनेटर में क्यू के बारे में हम क्या कह सकते हैं? अब सोचिए, टर्मिनेटिंग के लिए क्या कंडीशन थी कि डिनोमिनेटर जो होगा वो 2 और 5 की पावर की टर्म में लिखा जा सकता है, बट ये टर्मिनेटिंग नहीं है. तो इसका मतलब क्या बना कि अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर दी जाए और को प्राइम नंबर की टर्म में इसको डेवलप कर लिया जाए तो q वुड नॉट बी प्योरली एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ 2 रेस टू पावर n इनटू 5 रेस टू पावर n. यानी कि q जो है वो प्योर 2 और 5 की टर्म में होना जरूरी नहीं है, यहां पे कुछ एक्स्ट्रा नंबर भी हो सकते हैं. आई होप आपको बात समझ में आ गई है. सेम मैनर अगर मान लीजिए मैं आपको ऐसा कोई एग्जांपल दे देता हूं 2.37 डॉट डॉट डॉट, इसका मतलब क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग, खत्म नहीं हो रहा, बट ये रिपीट भी नहीं हो रहा. तो क्या ये रैशनल नंबर है? पहली बात तो ये नहीं, ये तो रैशनल नंबर ही नहीं है. दिस इज नॉट अ रैशनल नंबर. अगर ये रैशनल नंबर नहीं है तो इसको पी बाई क्यू की फॉर्मेट में भी नहीं लिख सकते. अगर पी बाई क्यू की फॉर्मेट में नहीं लिख सकते तो डिनोमिनेटर क्यू के बारे में एक्सप्रेशन भी बताने का कोई मतलब ही नहीं रहा, क्योंकि उसको फॉर्मेट में नहीं लिख सकते. आई होप अब आप क्वेश्चन नंबर सेकेंड एंड थर्ड को इजीली कंप्लीट कर सकते हैं, राइट? तो प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, राइट?